वेलकम बैक टू माय चैनल रोन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहित चतुर उपाध्याय है। सबसे पहले आप सबको नर्मदा हर, जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताया था, नर्मदा परिक्रमा का क्या मेरा अनुभव था और नर्मदा नदी क्या होती है उसके बारे में बताया था। तो वैसे ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर के मतलब माध्यम से नर्मदा परिक्रमा करते हो तो उसका रूट क्या होता है और अन्य थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर मैं आपको सबसे पहले नर्मदा नदी की लेंथ मतलब कितने किलोमीटर तक फैली हुई है आपको वो बता दूं, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होती है और अरेबियन सागर में विलीन हो जाती है। तो टोटल जो मतलब किलोमीटर्स है वो है करीबन 1312 किलोमीटर, मतलब करीबन 1312 किलोमीटर के मतलब नर्मदा नदी है। तो जो तीन स्टेट से होते आती है जैसे कि वो पता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हैं, बाद में अरेबियन सी जिसे अरब सागर कहते हैं उसमें विलीन हो जाती है। तो क्या था ना कि ये वीडियो बनाने का एक मेन पर्पस ये था कि मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, बहुत से लोग मतलब मुझे लाइक DM कर इंस्टा पे DM भी कर रहे थे, कुछ लोग मेल कर रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने किस तरह से मतलब रूट किया है प्लीज़ हमें एक बार बताइए जिससे हमें जाना है तो हमें थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। और कुछ मंदिर हमारे एक छूट गए तो हम थोड़ा ऐड भी कर पाए। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली क्या कि मैं सबको मैसेज तो करता हूँ पर इतना पॉसिबल नहीं होता कि लाइक मैं मेल भी कर पाऊँ, मैसेज भी कर पाऊँ, कमेंट भी कर पाऊँ। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं कि इसके ऊपर एक अलग सा एक वीडियो बना देते हैं जिससे मतलब जो नर्मदा परिक्रमा करने वाले और जो सोच रहे कि किस तरह से नर्मदा परिक्रमा का पूरा रूट बनाए तो उनको भी थोड़ा ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं नर्मदा परिक्रमा करने निकल रहा था ना अकेले, तो उससे करीबन 40-45 डेज पहले मैंने और मेरे पापा ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर दी थी कि मतलब लाइक व्हीकल से टू व्हीलर से कैसे करते हैं और कौन से रोड से जाना है, मतलब कौन से गाँव आएंगे, कोई बड़ा कौन सा बड़ा शहर आएगा या कौन सी धर्मशाला आएगी जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। पर क्या है ना कि ऐसा कोई वीडियो था नहीं, तो मैंने सोचा कि काम करते इसके ऊपर एक अलग सा ही वीडियो बना देते हैं। और मेन प्रॉब्लम ये भी थी कि भाई मुझे नर्मदा नदी क्रॉस नहीं करनी, तो मतलब बहुत मेहनत की थी, 40-45 डेज बस यही पूरा रूट बनाने में चले गए थे कि भाई किस तरह से नर्मदा परिक्रमा करनी है। और जब पूरी तैयारी हो गई और सारा रूट मतलब पूरा कम्प्लीटली बन गया, उसके बाद मैं अकेले नर्मदा परिक्रमा करने अपने एक्टिवा पे निकला था। अगर आप नर्मदा परिक्रमा मेरी तरह टू व्हीलर या फोर व्हीलर में करते हो तो टोटल 3000 से मैक्सिमम समझ लो 3000 से अधिक किलोमीटर के मतलब आपको इतने किलोमीटर अगर आप व्हीकल से करते हो आपको इतने किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे। मैंने जिस रूट से नर्मदा परिक्रमा की है ना, तो क्या है कि उस रूट के ऊपर मैंने करीबन 67 वीडियोज अपने चैनल पर रख दिए, मतलब नर्मदा परिक्रमा के 67 वीडियोज अपने चैनल पर रखे, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उस मतलब उस रास्ते में कहाँ पे पेट्रोल पंप आता है, कहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आती है, कौन सा कहाँ पे बड़ा शहर आते हैं, कहाँ पे आपको अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाएगी, तो उसके बारे में मैंने आपको लिखा है। और कौन से मतलब प्राचीन मंदिर है और नर्मदा घाट कौन से दिखा है, तो उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर सारे वीडियोज़ बनाए जो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नर्मदा परिक्रमा का एक रूट ही बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ, लाइक मेरे जो पुराने व्यूअर्स होगा उनको तो पता ही होगा पर जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताता हूँ कि मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है और मेरी एज 20 है और मैंने अपनी YouTube चैनल पर करीबन 268 वीडियोस मतलब रख दिए है। मतलब क्या मैं काफ़ी सारी राइड्स करता हूँ अपने एक्टिवा पे, तो सारे मर्ज हो गए, 268 वीडियोस अपने चैनल पर रखे हैं। और मैंने अपने एक्टिवा से ही नर्मदा परिक्रमा की थी 22/3/2022 मतलब 22 मार्च 2022 को मैंने अपनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की थी और 5 अप्रैल 2022 को मेरी नर्मदा परिक्रमा की समाप्ति हुई। मतलब समझ लो मेरे को करीबन 15 दिन लगे नर्मदा परिक्रमा की समाप्ति होने में और टोटल किलोमीटर कवर हुए थे वो थे 3626 किलोमीटर, मतलब 3626 किलोमीटर मैंने पूरे अपने एक्टिव पे सोलो कवर किए थे। तो नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत मैंने भरूच शहर के पास, वहाँ पे नर्मदा नदी बहती है ना, तो वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मंदिर है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ही मतलब अपनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए मैं अहमदाबाद से भरूच गया क्योंकि भरूच मेरे घर से नज़दीक था जैसे कि आपको बताया, तो मैंने भरूच से ही अपनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की। तो मैंने संकल्प विधि भी मतलब भरूच से उठाई थी, वहाँ पे जो भरूच में आया और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है ना, तो वहाँ से मैंने अपनी संकल्प विधि उठाई थी क्योंकि वहाँ से मेरी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत होने वाली थी। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे पंडित जी मिल गए थे, मैं जैसे दोपहर को पहुँचा ना तो काफ़ी अच्छे पंडित जी थे, तो उनसे थोड़ी बातें हो गई और उन्होंने बोला ठीक है आप कल सुबह नर्मदा किनारे के वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे मैं आपकी संकल्प विधि उठाऊंगा, फिर बाद में आप अपनी जो परिक्रमा है अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू करना है यहाँ से। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा रूट मैप के बारे में बताने वाला हूँ, पर अभी नेक्स्ट स्लाइड जो आने वाली है वो मैं एक मतलब स्क्रीन पे डालूंगा, क्योंकि क्या होगा कि जिससे आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो और मैं लाइक आपको अच्छे से भी समझा पाऊंगा, जिससे क्या होगा कि अगर आपको कोई मंदिर या कोई शहर आएगा तो उसके बारे में आप अच्छे से नोट डाउन कर पाओगे। नर्मदा नदी काफ़ी लंबी है और नर्मदा नदी के किनारे पे काफ़ी घाट और मंदिर भी आए हैं, तो आपको जिस मंदिर जाना है या आपको जिस घाट पर जाना है उसके बारे में
अपनी तरह से रूट बना सकते हो। वैसे अब आने वाली स्लाइड में मैंने जिस रूट पे नर्मदा परिक्रमा की थी उस रूट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये स्लाइड में मैंने बस नर्मदा परिक्रमा के जो रूट है उसके बारे में दिखाया है, पर अगर आपको ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखना है तो नर्मदा परिक्रमा के ऊपर मैंने करीबन 67 वीडियोज़ बनाए जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। वैसे तो नर्मदा परिक्रमा के पहले दिन मैं अहमदाबाद से भरूच तक पहुँचा था, पर पहले दिन मैंने पंडित जी से बात की तो उन्होंने बोला कि आप कल सुबह आना, तो वहाँ से हम संकल्प विधि उठा के बाद में आप अपनी परिक्रमा की शुरुआत करना। दूसरे दिन सुबह मैंने पंडित जी के द्वारा अपनी नर्मदा परिक्रमा की संकल्प विधि करके श्री नीलकंठेश्वर मंदिर से भरूच से अपनी यात्रा की शुरुआत की। तो दूसरे दिन मैं श्री नीलकंठेश्वर मंदिर से गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर तक गया था, और रास्ते में जो जगह आती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जाड़ेश्वर चौकड़ी, शुक्लतीर्थ, नारेश्वर अंगवदूत आश्रम, चानोद, तिलकवाड़ा रोड होते हुए मैं गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर पहुंचा था, और टोटल किलोमीटर 131 हुए थे। और रात को मैं गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर पे रुका था और मैंने वहाँ पे विश्राम किया था। नर्मदा परिक्रमा के तीसरे दिन गुजरात राज्य में आए नर्मदा जिले के श्री गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर से मैं मध्य प्रदेश में आया महेश्वर तक पहुँचा था। गरुड़ेश्वर से महेश्वर की दूरी करीबन 316 किलोमीटर है, और इस रूट में नीचे बताई गई जगह होते हुए महेश्वर तक पहुंचा था। देवलिया, नसपाड़ी, कवाट, कड़ीपानी, नया अपेश्वर मंदिर, रैंडी, छकतला, उमराली, अलीराजपुर, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी, खलगाड़, धामनोद होते हुए महेश्वर पहुंचा था, और रात को मैं महेश्वर में आके वहां पे रुक गया था। इस रूट में मैं महेश्वर से वाया मांडलेश्वर, कतरगाँव, बरवा, कटकुट, उदयनगर, कांटाफोड, सतवा, खातेगा होते हुए नेमावर पहुंचा था। रात को मैंने विश्राम नेमावर में होटल में ही किया था। नर्मदा परिक्रमा के पांचवें दिन मैंने अपनी सफर की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में आए नेमावर से की, और मैं नेमावर से भेड़ाघाट तक पहुंचा था। नेमावर से वाया सांदलपुर, नसरुल्लागंज, रहटी, दीवटिया, ओबेदुल्लागंज, गौहरगंज, खमरिया, नीमावर, बड़ी, बरेली, खरगोन, उदयपुरा, तेंदुखेड़ा, उमरोहड़ा, बैलखेड़ा, सहजपुर होते हुए भेड़ाघाट रोड पहुंचा था। रात को मैं भेड़ाघाट रोड पर आए आश्रम में रुका था। नर्मदा परिक्रमा के डे सिक्स में वैसे तो मैं गौरीवार तक जाने वाला था, पर रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने भेड़ाघाट में अपना स्टे ले लिया। पर मैं सुबह वापस गौरीघाट जाने के लिए निकला, और गौरीघाट पे शाम को काफ़ी खूबसूरत नर्मदा आरती होती है, तो उसको देखने के लिए मैं गौरीघाट के नज़दीकी रुक गया। नर्मदा परिक्रमा के डे सेवन में मैं जबलपुर के पास में आया गौरीघाट से मैं अमरकंटक तक पहुंचा था। अमरकंटक वाया जबलपुर, कुंदम, शाहपुरा, बेड़सिंहपुर, पाली, घुंगटी, चाहडोल, जमुई, बुरहर, अमलाई, अनूपपुर, तिरहा, मिडवे ट्रेड, पुष्पराजगढ़, राजेंद्रगाम, बूंदाकोना होते हुए अमरकंटक तक पहुंचा था, और रात को मैं अमरकंटक में गुरुद्वारा में रुक गया था। नर्मदा परिक्रमा के डे एट में मैं अमरकंटक में आया हुआ गुरुद्वारा में रुका था, जो उत्तर साइड पे आया हुआ है, और उत्तर साइड पे मैंने श्री सर्वोदय जैन टेम्पल देखा था। और आज मैं तट परिवर्तन करके उत्तर से दक्षिण की ओर माँ की बगिया है वहाँ पे पूजा विधि कराऊंगा, और मेरा जो स्कूटर है वहाँ पे भैया थे तो मैंने उनको दे दिया है, तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे नर्मदा नदी क्रॉस नहीं करनी इसलिए। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नर्मदा परिक्रमा का एपिसोड 30 देख सकते हो। दक्षिण तट पर आकर मैंने कुछ मंदिर के दर्शन किए थे, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। माइकी बगिया, सोनमुड़ा, श्री यंत्र मंदिर, कालचूरी प्राचीन मंदिर, नर्मदा कुंड जो दक्षिण तट पर आया हुआ है। कालचूरी मंदिर से कबीर चबूतरा होते हुए डिंडोरी वाले रोड पर जाने के लिए किसी लोकल व्यक्ति से पूछ लेना, नहीं तो नर्मदा नदी क्रॉस हो जाएगी। तो अभी मैं आपको मैं अमरकंटक से महाराजपुर गया था उसके बारे में बताता हूँ। अमरकंटक से महाराजपुर मंडला जाते वक्त नीचे बताई जगह रास्ते में आई है। वाया अमरकंटक करंजिया, गोरखपुर, रामपुर, मोहतारा, गढ़सराई, बुधगौन, डिंडोरी, सक्कामाल, चाबी, मोहगांव, गुगरी, रामनगर, हृदयनगर होते हुए महाराजपुर मंडला पहुँचा था। रात को मैं महाराजपुर में आया आश्रम में रुका था। नर्मदा परिक्रमा डे नाइन में मैं महाराजपुर मंडला से अपनी यात्रा शुरू की। महाराजपुर मंडला से नरसिंहपुर की दूरी करीबन 256 किलोमीटर है। वाया महाराजपुर मंडला कहानी, बटवानी, घूमा,
माने गांव, तिलवारा घाट, न्यू भेड़ा घाट, धुआधार व्यू पॉइंट, पिपरिया, उमरिया, पूर्णिया, लटगाउन, जोटेश्वर, गोतेगा होते हुए नरसिंहपुर पहुंचा था। नर्मदा परिक्रमा के 10वें दिन में मैं नरसिंहपुर से नर्मदापुरम होशंगाबाद पहुंचा था, जिसकी दूरी करीबन 210 किलोमीटर है। वाया नरसिंहपुर होते हुए मैं नरसिंह मंदिर, करेली, बर्मन घाट, बोहानी, बानखेड़ी, पिपरिया, बाबाई, जसलपुर होते हुए सेठानी घाट नर्मदापुरम पहुंचा था। रात में मैं सेठानी घाट के पास गेस्ट हाउस में रुक गया था। नर्मदा परिक्रमा के डे 11 में मैं नर्मदापुरम होशंगाबाद से ओमकारेश्वर पहुंचा था, जिसकी दूरी करीबन 269 किलोमीटर है। वाया नर्मदापुरम होते हुए बगवाड़ा, हरदा, आशापुरा, बामगढ़, खंडवा, ठेगांव, माखन, सनावद होते हुए ओमकारेश्वर पहुंचा था और रात को मैंने ओमकारेश्वर में ही रूम ले लिया था रुकने के लिए। नर्मदा परिक्रमा के 12वें दिन में मैं ओमकारेश्वर से सादा पहुंचा था, जो महाराष्ट्र में आया हुआ है, जिसकी दूरी करीबन 257 किलोमीटर थी। वाया ओमकारेश्वर से मैं मोटका, खेड़ीघाट, सनावद, बेड़िया, बकावा, सेल्डा, रुखड़िया, जमनिया, अदलपुरा, शाहपुरा, सुरपाला, खरगोन, सेगांव, जुलवाणिया, बालसमुंद, सेंधवा, नेवली, पानसेमल, खेतिया, ब्राह्मणपुरी होते हुए सादा पहुंचा था और रात को मैं सादा में रुक गया था। नर्मदा परिक्रमा के डे 13 में मैं सादा से सुल्तानेश्वर पहुंचा था, जिसकी दूरी करीबन 197 किलोमीटर है। सादा से मैं डामरखेड़ा, प्रकाशा, अमलेड, तलोदा, अकलकुआ, सगबारा, गंगापुर, दड़ियापाड़ा, घंटोली, खूंटा, आंबा, रेना, हरिसिद्ध माता मंदिर, राजपिपला, नीलकंठ धाम पहुँचा होते हुए सुल्तानेश्वर मंदिर पहुँचा था और रात को मैं सुल्तानेश्वर में रुका था। नर्मदा परिक्रमा के डे 14 में मैं सुल्तानेश्वर से वामलेश्वर, जिसे भीमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जो आसोट में आया हुआ है, वहाँ तक पहुँचा था, जिसकी दूरी करीबन 145 किलोमीटर है। सुल्तानेश्वर वाया राजपिपला, प्रतापनगर, राजपारडी, लिमोदरा, रामघाट मढ़ी, झगड़िया, गोवाली, अंकलेश्वर, साजोद, कांडवा, बलबलाकुंड भरूड़ी, आसोट, बड़ोदरा, हनुमान टेकरी, कोटेश्वर टेम्पल होते हुए श्री भीमलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा था। इस जगह को वामलेश्वर भी कहते हैं। रात को मैं वामलेश्वर में रुका था। तो नर्मदा परिक्रमा के डे 15 में मैं श्री भीमलेश्वर महादेव मंदिर से तट परिवर्तन करके मीठी तलई बोट से जाऊंगा। श्री भीमलेश्वर महादेव मंदिर दक्षिण साइड पर है और मीठी तलई उत्तर साइड पर है, तो मैं अपना जो टू व्हीलर यानी कि मेरा जो एक्टिवा है वो मैं एक भाई को दे दूंगा, जो मीठी तलई तक पहुंचा देंगे। मीठी तलई से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर 58 किलोमीटर है। मीठी तलई वाया दहेज, जोलवा, अटाली, बैल्सली, नवेथा, भाड़भूत, वेस्टडरा, हिंगलोट, कुकुरवाड़ा, भरूच, जाड़ेश्वर चौकड़ी होते हुए मैं भरूच में आया श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा था और यहाँ पे मेरी नर्मदा परिक्रमा की समाप्ति हुई थी। इस रूट में मुझे ठहरने या भोजन की कोई भी समस्या नहीं आई थी। कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा जो भी करता है वो कभी भूखा नहीं सोता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नर्मदा परिक्रमा करें और उनकी यात्रा आसान हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा वीडियो देखते हुए अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो या आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नर्मदा परिक्रमा के ऊपर मेरा अनुभव कैसा था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। मैंने अपने चैनल पर नर्मदा परिक्रमा के ऊपर करीब 67 वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।